खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। बीजेपी ऑफिस हेडक्वार्टर्स में तेलुगु के एक्टर बाबू मोहन, फॉर्मर मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर को बनाया निशाना। आगे की तफसीलात सुने तेलुगु के एक्टर बाबू मोहन, फॉर्मर मिनिस्टर की जुबानी। कल भारत बंद सब पार्टियां, सब किसान खड़े थे, अनाउंस करे थे भारत बंद के लिए। दिल्ली में जो हड़ताल कर रहे वो किसान, वो जैसा दिल्ली में हो रहा, हर देश में पूरा, हर जिले में होना, हर राष्ट्र में होना बोल के वो लोग ये भारत बंद किया था। उसमें ये आंदोलन मिले, आंदोलन मिले, मैं मेरा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक छोटा क्लिपिंग भेजा था केसीआर साहब का वो भाषण में, उसमें से ये किसानों के लिए मैं यूरिया वो ये इतना करोड़ में मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, शॉर्ट भी करूँगा, मैं देखो पूरा दुनिया चक्कर गिर जाते, ऐसा भाषण दिए। वो भाषण ये किसानों के लिए, किसानों के लिए इतना इतना करता बोले मगर कुछ नहीं किया ना, सात साल हो रहा, ये याद दिलाओ बोल के हमारा कार्यकर्ताओं को भेजा यात्री के, उसका बारे में मेरा नाम लेके बाबू मोहन, मेरा बेटा का नाम लेके वो कई कई बातें, मैं मेरा वॉइस कुछ नहीं है, खाली केसीआर साहब का वॉइस, ये देखो इतना इतना प्रॉमिस किए थे केसीआर साहब, याद दिलाओ बोल के मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा दोस्तों को भेजा था। उसके वे कई कई बात वो गालियां देते मेरे को, झूठे झूठे बातें बोलते बोलते फायदा हुआ उसके लिए। उसका बारे में मेरा नाम लेके बहुत बुरा बुरा बात, शर्म नहीं है, ये मेंटल बात ये बात वो बात ऐसा ऐसा बोल के मेरा नाम लेके बोले थे। मैं गाना डिस्कशन का आना चर्चा करना बोल के बोले थे, क्या चर्चा करना, मैं कुछ नहीं बोला, मेरा मुंह से कुछ नहीं आया, मेरा बेटे के मुंह से कुछ नहीं आया, मगर बोले मेरे को अकल है बोल के कौन सा चर्चा करेंगे, तुम जितना खेता कब्जा रखे उसमें उसमें करेंगे, नहीं तो मैं 5 साल टीआरएस में हूँ एमएलए, आप भी एमएलए बने, मैं कितना डेवलपमेंट किया आप कितना डेवलप किया, किसानों के लिए मैं क्या किया तुम क्या किया, चर्चा करेंगे। चलो वो देश का बात करने वाला अलग है, जो बहुत लोग है वो चल रहा, ये राष्ट्र का ये भी चल रहा कॉन्स्टिट्यूंसी, तुम प्रेजेंट एमएलए है मैं से पहले एमएलए हूँ, बात करेंगे डिस्कस करेंगे, चलो कमान चर्चा करेंगे बोल के मैं विचार कर, यही बात है इसके लिए मैं लगाना पड़ा। अभी जो पब्लिक को जो परेशानी होंगी साहब ये भारत बंद होने की वजह से, बहुत उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बहुत परेशानी, ह्यूमैनिटी नहीं है ये लीडरों को, ये किसानों का बंद है, टीआरएस का बंद करेंगे, टीआरएस का बंद किसके ऊपर करे, सीएम के ऊपर, अब रहता हर जगह वो दाम नहीं ये दाम नहीं है उसको नहीं है इसको नहीं बोलते हड़ताल कर रहे हैं, टीआरएस कार्यकर्ता पूरा हड़ताल करे, किसके बारे में करे, सीएम केसीआर का ऊपर करे रैतों के ऊपर है नहीं,
उनका इज्जत तो बोलो निकाल लेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।